नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आ गई है मार्केट में एक ऐसी ऐप जो आपकी सेल बढ़ाने का काम करेगी। चाहे लॉकडाउन लगा हो या ना लगा हो, आपका बिजनेस लॉकडाउन में डाउन नहीं जाएगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। घर से बैठे बैठे भी अपनी दुकानदारी चला पाएंगे। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। ऐप को डाउनलोड करना है, अपनी दुकान रजिस्टर करनी है और आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि लॉकडाउन लगे या ना लगे, आपकी दुकान हमेशा चलती रहेगी और अच्छी खासी सेल ग्रोथ भी इस ऐप से मिलेगी। और इसके लिए आपको किसी को भी एक रुपया नहीं देना, एक पैसा खर्च नहीं होगा इस ऐप के ज़रिए। रजिस्ट्रेशन फ्री है, ऐप डाउनलोड फ्री है और जो ऑर्डर्स आएंगे उससे आपकी सेल ही बढ़ेगी, मुनाफा ही बढ़ेगा। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कम्युनिटी बाज़ार के अपडेट की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1818 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और सिल्वर भी $23 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। देखने की सोने और चांदी में कल के मुकाबले आज तेज़ी बनती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जो SPDR है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ट्रस्ट है, उसकी जो होल्डिंग्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब ये जो सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, क्या ये आने वाले कारोबारी सप्ताह भी जारी रहेगी? क्या सोना यहाँ से अब तेजी की ओर जाता नजर आएगा या फिर एक सीमित दायरे में रह जाएगा? आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी, सबसे पहले बात करूँ अगर सोने और चांदी की, तो आपने रेंज दी थी $1780 से लेकर ऊपर में $1820 तक की। देख रहे हैं उसी रेंज में सोना आज ट्रेड करता नजर आ रहा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, $1818 पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोना अगले कारोबारी सप्ताह यहां से तेजी की ओर जाएगा या फिर इसी रेंज में रह जाएगा? देखिए, फिलहाल सोने के अंदर ये रेंज ही देखने को मिल रही है, 1880 से लेकर 1820 की, और यही रेंज लगता है कि अगले हफ्ते भी कायम रह सकती है। और अभी बाजारों के अंदर जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो साइडवेज मोमेंटम है। आगे चलकर इंट्राडे में अगर देखा जाए तो इंट्राडे में भी बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। आगे चलकर मुझे लगता है कि सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है। और आप देखिए, $1820 के ऊपर अगर आज निकल जाता है, और जैसे कि हमने आज अच्छी खासी तेजी आते हुए भी देखी है, 1810 की रेंज नहीं तोड़ पा रहा था, वो रेंज टूटते हुए देखिए अब यहाँ से $1820 पर है, तो मुझे लगता है कि 1820 के बाद $1840 से $1860 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सोने और चांदी के अंदर खरीदारी की रणनीति हर निचले स्तर पर लेकर चलनी चाहिए, और चांदी भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में $24 तक के स्तर छू सकती है, $24 से $25। तो दोनों ही कमोडिटी के अंदर अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है, और अगर अब नया हाई लगता है यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट्स में तो एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। तो फिलहाल आज इंट्राडे के लिए 47,900 के आसपास अभी ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है और अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में हो सकता है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और साल के आखिरी कारोबारी दिन 48,200 तक के स्तर जो है सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग में रहना चाहिए, और चांदी में 62,500 से लेकर 62,800 की रेंज आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, इसी रूपा जी बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि WTI $76 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $79 पर। रूपा जी, हमने ब्रेंट में $80 का भी लेवल टच होते हुए देखा है, आपको क्या लगता है आज जो हल्की सी मुनाफा वसूली बली है, क्या ये अगले सप्ताह थोड़ी और गिर आएगी या फिर अगले कारोबारी सप्ताह क्रूड की कीमतों को सपोर्ट रहेगा और कीमतें एक बार फिर से तेजी की ओर रहेंगी? देखिए, अगला सप्ताह काफी अहम रहने वाला है क्योंकि 4 तारीख को OPEC की बैठक है और उसके अंदर क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं कि वो फरवरी के लिए अपना प्रोडक्शन जारी रखेंगे या उसमें बढ़ोतरी करेंगे या कमी करेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा काफी कुछ। तो लेकिन फिलहाल जो क्रूड की चाल बनती हुई दिखाई दे रही है, लगातार हमने अब इसमें तेजी आते हुए देखी है, और आज भी देखा जाए तो $76
के ऊपर अभी भी क्रूड सस्टेन है। कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट का दौर जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल क्रूड की कीमतों में तेजी का ही दौर है और ऐसे में माना जा रहा है कि प्राइसेस अभी और अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए काफी सारे फंडामेंटल्स हैं जो अहम रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस में क्रूड इन्वेंट्री के आंकड़े जो है वो एक सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर से लीबिया ने भी तेल का प्रोडक्शन फिलहाल रोक दिया है और नाइजीरिया ने भी तेल का उत्पादन बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर ऑयल फील्ड बंद होने से उत्पादन घटा है। तो ऑयल फील्ड बंद होने का असर सीधा सप्लाई पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सप्लाई में कमी आने के कारण कीमतों में तेजी आई है। और दूसरा, इन्वेस्टर्स की नजर जो है ओमिक्रॉन के ऊपर भी है। ओमिक्रॉन का आगे कैसा इंपैक्ट रहता है इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वहीं चीन के जियान शहर में देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो अगले साल कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि अगले हफ्ते का जो पहला कारोबारी दिन होगा या अगला हफ्ता जो होगा वो काफी अहम रहेगा, क्योंकि 4 जनवरी को ओपेक की बैठक भी होनी है, उस पर भी नजरें हैं। तो फिलहाल कच्चा तेल पॉजिटिव है, ये सारे फैक्टर्स इसको सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ओपेक का क्या डिसीजन निकल कर आता है और ओमिक्रॉन का क्या इंपैक्ट होगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आज इंट्राडे में कच्चे तेल के अंदर जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 5660 से लेकर ऊपर में 5760 ये रेंज बन सकती है। आज हल्का सा बाजार गिर सकता है, 5580 से लेकर 5560 तक नीचे जा सकता है। जी, तो यानी कि जब तक विदेशों में देख रहे हैं कि जब तक यूएस में इन्वेंट्रीज में कमी है और इक्वाडोर हुआ, लीबिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, यहाँ पर मरम्मत के चलते जो ऑयल फील्ड्स बंद की गई हैं इसकी वजह से उत्पादन में जो कमी आई है उसकी वजह से जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन आगे जाके 4 जनवरी को जैसे रूपा जी ने बताया कि ओपेक और उसके सहयोगी देशों की बैठक होनी है, उसकी उनके डिसीजंस भी काफ़ी मैटर करेंगे और आगे कच्चे तेल की तेजी मंदी तय करेंगे कि जो पहला वाला प्लान था उसी पर स्टिक टू रहेंगे, उसी पर रहे अपने कच्चे तेल का उत्पादन रखा जाएगा, या फिर आगे ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कच्चे तेल का उत्पादन तय करेंगे। ये अब देखने वाली बात होगी और ये तभी पता चलेगा जब ओपेक की बैठक होगी और उनका कुछ निर्णय होगा। ये सर रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देखने कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में तो तेज है, लेकिन बात करें अगर निकल और लेड की तो MCX पर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, साल के आखिरी कारोबारी दिन, साल 2021 के आखिरी कारोबारी दिन बेस मेटल्स में जो ये मिला जुला सा रुझान है तो आने वाले नए साल में कैसा रहेगा? देखिए, नया साल पॉजिटिव रह सकता है बेस मेटल्स के लिए और ये साल भी अगर देखा जाए तो अच्छा रहा है बेस मेटल्स के लिए, अच्छे रिटर्न्स आए हैं। जैसे कि निकल ने अच्छा परफॉर्म किया है, कॉपर लगातार 700 के ऊपर सस्टेन है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी अच्छा रहने वाला है बेस मेटल्स के लिए। और अभी फिलहाल के लिए आज हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, प्रॉफिट बुकिंग है, साल का भी आखिरी कारोबारी दिन है, तो इसलिए बाजारों में थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि हर निचले स्तर पर इसमें भी बाइंग में रहना चाहिए और स्पेशली निकल और कॉपर दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी एल्युमिनियम में भी तेजी का दौर आगे चलकर और देखने को मिल सकता है, तो सभी बेस मेटल पॉजिटिव है, इनमें बाइंग किया जा सकता है। आज की रेंज की बात करें तो कॉपर की जो रेंज बनती दिखाई दे रही है 738 से लेकर ऊपर में 748 तक बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं निकल की बात करें तो एज यूजुअल निकल भी 1520 से 1560 के दायरे में ही फंसा हुआ है, अभी फिलहाल 1540 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है आज जो करेक्शन है। और अगर 1560 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 1600 तक के स्तर भी संभव है। इंट्राडे में दबाव है लेकिन इस दबाव के अंदर बाइंग करनी चाहिए और मुझे लगता है कि निकल जल्दी 1600 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे नॉन एग्री पर, आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, साल 2021 के आखिरी कारोबारी दिन, जिनमें साल 2022 में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी के अंदर निवेश करना चाहिए और ये एक अच्छा मुनाफा देते हुए दिखाई दे सकते हैं आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी। और ईयरली अगर आप किसी भी चीज में निवेश करना चाहते हैं तो सोने के अंदर एक अच्छा रिटर्न रह सकता है 2022 में।
माना जा रहा है कि अभी जिस तरीके से जो फंडामेंटल रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से आगे चलकर सोना जो है 2022 में एक अच्छे स्तरों पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। माना यह जा रहा है कि सोना आगे चलकर 2022 में 55,000 से लेकर 58,000 की रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफी पॉजिटिव है यहाँ से, यानी कि आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 5,000 से 7,000 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छा रह सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, और आज इंट्राडे में भी सोना 48,200 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, जैसा आपने बताया कि सोने में अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है, 5,000 से 7,000 की जो तेजी है वो बंदी नजर आ सकती है, अगर फिजिकल में कोई खरीदना चाहे तो क्या फिजिकल में भी खरीद के चला जा सकता है? देखिए बिल्कुल, फिजिकल में आप खरीद के रख सकते हैं, लेकिन होरिजन लंबा रखिएगा, 1 साल का मिनिमम आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो 1 साल के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग किया जा सकता है, और करंट लेवल से अगर देखा जाए तो 7,000 से लेकर 8,000 की तेजी अगले साल सस्टेन होती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि नए साल पर, साल 2022 में सोने चांदी का जो बाजार है वो तेज जाता हुआ नजर आ सकता है। जैसे रूपा जी ने बताया, सोने चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, सोना चांदी अच्छा रिटर्न देता नजर आ सकता है।